प्रकाश ज्ञान जन श्लाघ्य चक्षुरनुतम येन तस्मै श्री गुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय चैतन्य नामने गोपिके नमः। तत्कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवसुत विष्णुभक्ति प्रददेवी सत्यव्रत नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्त बिंदु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हमारा गल ये है भाई डोगरी च कहावत है ना भाई करा कोई तो भरा कोई कर्म अस शरीर दे द्वारा अस करने हैं इंद्रियों द्वारा करने हैं लेकिन ओदा जरा खमियाजा ना वो कुसी पूछना पौंदा आत्मा की हूँ आत्मा की मतलब एदा खमियाजा पूछना पौंदा वो बार बार मृत्यु जन्म के चक्कर विच आत्मा की फसदा है। वह एक श्लोक आया गीता विच श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं ग्रहणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विश्वानुपसेवते। जेड़ा ये आत्मा है ना ये मन का आश्रय लेया इस शरीर दे विच रहिंदा और ये जड़ियां पंज ज्ञान इंद्रियां ना इनके जरिए एक एक करता विषय का सेवन करता तो विषय का सेवन करने की वजह करना रहा ये मन के मन का आश्रय लिया और ये उनके बिच फसेदा। अस कर्म करने इंद्रिय द्वारा करने चंगे कर्म करा करने भैड़े कर्म करा करने जो कुछ भी करा करने ना ये भी साढ़ा जोड़ा शरीर है ना ये भी एक इं एक किस्म का सर्कल है जो इंद्रिया जोड़ा शरीर है ना ये पर इंद्रियों का नियंत्रण है तो इंद्रियों पर कोदा नियंत्रण है मन का नियंत्रण है तो मन के उपर कोदा नियंत्रण है वो बुद्धि का नियंत्रण है तो फिर बुद्धि के बाद क्या होता बुद्धि के बाद आ जाता अहम अहम भाव भाई मतलब है भाई जिस अहम भाव आता ना तो उस अहम भाव के होंगे भी मैं करागा नहीं महाराज वो जल निश्चय देखो बुद्धि निश्चय करती है मन जड़ा वो मतलब मन नहीं करता तो बुद्धि निश्चय करने बाद फिर आखिरी फैसले च जल अहम भाव आ जाता ना तो उस फिर ये जरा आत्मा ना ये शरीर के कन्ना मतलब है एकात्मता कर लैंदा तो एकात्मता करना मतलब शरीर के कन्ना यदा एक भी हिस्सेदार बनी जाता कर्म कर्में जल अहम भाव आई जाता तो ये जरा आत्मा जरा ना ये उस कर्म का मतलब है भी करता बनी जाता जिसलै ये करता बनी जाता ना तो जेड़े भी चंगे बुरे कर्म किए होंगे ना उसका मतलब है भी हिस्सेदार जरा वह आत्मा बनी जाता उस तरीके करना फिर आत्मा की मतलब भी चंगे बुरे कर्म की सजा फिर वो आत्मा की असं उसी भुगतनी पाती। तो हूँ चीज़ यह भी एक बार क्या हूँ जरा अस तो आखने मतलब भी मतलब परमात्मा परमात्मा है जी देखो ये परमात्मा भजन करना चाहिए। हूँ एक बार क्या भाई उत संत सम्मेलन हाँ चला करता तो जलंधर साढ़े परम गुरु महाराज उस संत सम्मेलन में शामिल है तो उत्थे एक सेठ आई है बंबई का उनके चरणे पिया आख लगा
भाई गल आ महाराज, में बड़ी उम्मीद ली है थोड़े को आया, मेरे को सब किश है, कुसै चीज़ की कमी नहीं, लेकिन मेरे अंदर शांति नहीं है। तो कोई ऐसा उपाय दसो भाई मी शांति मिले। तो गुरु महाराज मुस्कराइया आखन लगे, गल कि तू ओ भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करने का तुसें शांति मिलग। वो सेठ आखन ला, महाराज साढ़े आखदे भगवान भगवान भगवान, लेकिन भगवान कुत्थे ने, भगवान लभदे है नहीं, ना छड़ भाई भगवान असें जेड़ी चीज़ लभदी नहीं ते के भजन करना ते के करना। तो वह फिर गुरु महाराज हो गए परम गुरु महाराज आखन लगे भाई गल ये आ, तू मेरा समय नहीं बर्बाद कर, तो जा जरा जिथे जाना, तो इस सवाए और कोई चारा कोई नहीं है भगवान के भजन करने। वो आख लें महाराज मेरा दिखो मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया, मेरा मन है मेरा मेरे मन बड़ा कष्ट है, शांति नहीं है। वो महाराज गुरु महाराज आखन लगे तू ये दस तेरा जरा मन कुत्थे, तेरा मन तेरा सारा शरीर दस मन कुत्थे है, हूँ वो केह दसा। वो आख्या मन तो महाराज है मेरे अंदर है, हूँ लभदा नहीं है, मैं केह दसा मन मेरा कुत्थे। अहें इ गल ही मन है तेरे शरीर के बिच, लेकिन मन लभदा नहीं, इं गै बुद्धि भी तेरे शरीर बिच है लेकिन लभदी नहीं, इं गै भगवान भी इस संसार बिच हैन, कण कण बिच मतलब भगवान, लेकिन भगवान लभदे नहीं। जियां दिक्खो ना सूरज है ना, हून सूरज तुस आखो भाई सूरज ते 24 घंटे चढ़े दा रौंह्दा, हून राती लै अगर तुस सूरज दिक्खना चाहो ते सूरज तुसें लब्भी सकदा नहीं लब्भना, तुस भावें जड्डी मर्जी टैलीस्कोप लिया जो मर्जी करो, लेकिन तुसें सूरज नहीं लब्भना। सूरज दिक्खन उस्सै लै लब्भग जेल्लै सूरज चढ़ग, सूरज दे सूरज की सूरज दे प्रकाश कन्नै गै दिक्खेआ जा सकदा। जियां सूरज गी दिक्खना जां सूरज कोला लब्भग जेल्लै सूरज चढ़ग, ओह्दा प्रकाश सामने आग तो सूरज के प्रकाश कन्नै गै सूरज दिक्खेआ जा सकदा। इ'यां गै भगवान गी अगर तुस दिक्खना चाहो ना तो भगवान के प्रकाश कन्नै गै भगवान के दर्शन होई सकदे। हुण भगवान का प्रकाश, भगवान का प्रकाश कि'यां साढ़े अंदर आवे, हुण भगवान का प्रकाश जेहड़ा ना वह भगवान का भजन करने कन्नै, भगवान की भगती करने कन्नै गै मतलब भगवान का प्रकाश जेहड़ा साढ़े अंदर आग। जेल्लै भगवान का साढ़े अंदर प्रकाश आग तो उस प्रकाश कन्नै गै अस भगवान का मतलब उन्दे दर्शन कर सकने, भगवान की अनुभव करी सकने। हुण कोई बच्चा आख्या महाराज पहले मैं MBBS की डिग्री दियो तो फिर मैं बाद बिच पढ़ूं, तो गल ये भी पहले वो नहीं हुंदा भी पहले उसी डिग्री दित्ती जा तो फिर मतलब वो पढ़ग, ऐसा नहीं हुंदा। पहले उसी MBBS दी किताबां पढ़नियां पौंदियां ते कताबा पढ़ने बाद इम्तिहान होने बाद गै उसी डिग्री जेहड़ी प्राप्त होई सकदी। इस्सै तरीके कन्नै अगर भगवान दा अनुभव करना होऐ, भगवान दे दर्शन करने होन ना, ते भगवान दे दर्शन करने आस्तै भगवान गी अनुभव करने आस्तै असें भगवान दा भजन जेहड़ा करना पौग। भगवान दा भजन करगे ते फिर गै उसदा प्रकाश साढ़े शरीर दे विच फैलग, फिर असें सही होग भाई वाकई भगवान हैन, भगवान कण कण विच विराजमान, लेकिन यह साढ़ा विश्वास नहीं है और अस वह कर्म गै नहीं करते, अस भगती गै उधर पास साढ़ा भगवान पास ध्यान गै नहीं, साढ़ा ध्यान संसार बिच फसे दा, ध्यान संसार बिच फसा तो असं संसारिक चीज़ा गै लभदियां, भगवान लभदा नहीं। तो जेल्लै साढ़ा ध्यान जेहड़ा वह भगवान की तरफ होग कि असें भगवान की प्राप्त करना है, भगवान करना, भगवान ने गै असें शरीर दिते दा, और शरीर किस पास दिते दा, भगवान ने इस आत्मा का उद्धार करने असें दिता। तो मतलब है इस जी जहाँ तक इस गल की समझ नहीं आवै तां तक अस मतलब है कि उस पथ के उस रस्ते पर चली नहीं सकते। इस वास्ते भगवान है, भगवान के दर्शन करने आस्तै असी भगती करना जेड़ा वह बड़ा जरूरी है। तो भगती जी वह कियां आग भाई, वो जेडे साढ़े गुरु महाराज जेडे शिक्षा देंदे ने कियां भाई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक कलयुग का महामंत्र है। इस दा मंत्र का उच्चारण जड़ा वो हर वेला करते रहो, हर वेला करते रहो करते रहो, और थोड़े रग रग बिच जड़ा महामंत्र जड़ा ये छाई जाग, जिसलै रग रग के मंत्र छाई जाग
ते फिर तुसें मतलब कोई जरूरत भी नहीं, फिर अपने आप गै मंत्र जेह्ड़ा थोड़े शरीर बिच चलदा रहोग चलदा रहोग, उस मंत्र दे चलने कन्नै थोड़े अंदर प्रकाश जेह्ड़ा ओह् छाई जाग। फिर तुस ओह फिर तो केईं दफा ऐसा होंदा कि साढ़े मनै च कोई अभिलाशा होंदी ऐ कोई इस किस्म, तो ओह् अपने आप थोड़े मनोरथ जेह्ड़े न ओह् पूरे होंदे जंदे। ओह् कि'यां पूरे होंदे? भगवान की कृपा कन्नै गै ओह् सारे थोड़े मनोरथ पूरे ही होंदे। फिर तुसें सही बी होंदा भाई नेईं महाराज मेरे ते एह् मतलब एह् समर्थ नहा ते ना गै मेरे इन्नी काबिलियत ही, एह् भगवान की कृपा कन्नै गै एह् सारा किश होआ करदा। तो मतलब ऐ केईं दफा लोग सोचदे भाई हाँ जी महाराज साढ़ा मकान बनना चाहिदा शैल, तो समर्था नहीं होंदी, लेकिन अपने आप गै साधन जुट जंदे, अपने आप सारा किश होई जंदा, मकान भी बनी जंदा। केईं दफा असें बड़ी चिंता होंदी है बच्चे की नौकरी नहीं लगा दी, ओह् भी होई जंदा। तो वह सारा कियां होंदा भी जेड़ा महा जेड़े होंदे ना बजुर्ग होंदे ना उनका बड़ा होंदा कि जिसलै भगवान का नां सिमरन करते ना, भगवान का नां सिमरन करने कन्ने के होंदा कि भगवान कन्नै साडा संबंध जुड़ी जंदा। भगवान कन्नै जेल्लै संबंध जुड़ी जंदा तो भगवान की कृपा जेड़ी साढ़े कन्नै बनी जंदी। हुन ऐसा संबंध तो साडा बने दा गै, क्योंकि जेड़ा आत्मा है ये भगवान की मतलब ओदा भगवान भगवान का अंश है, ओदी भगवान का अंश होने के नाते वो ये जेड़ा आत्मा ये ओ भगवान का अंश है, वो ये अपने अंश ही तुपदा। तो असें इसी लाया संसार की तरफ, तो इयै साढ़े कोला बड़ी भुल है कि असें अपना जेड़ा साढ़े एक कोशिश होनी चाहिए कि जिते अस संसारी काम करने ना उत्थे भगवान का भजन भी करना जरूरी है, ताकि जेड़ा ये साढ़ा आत्मा का यदा संबंध भगवान कन्नै जुड़े रवे। भगवान का संबंध जुड़े जुड़ने कारण भगवान की साढ़ी सबे साढ़े पर कृपा बनी रवे, असें कोई दुख कलेश दुए त्रिये भगवान का संबंध जुड़ने कन्नै फिर केह् होंदा असें जेड़े औने आह्ले कलेश होंदे ना वह भी खत्म होई जंदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।